जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। जैसे कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं कोटा के मूर्ति बाजार में। अभी आपको आगे दिखाएंगे कितने तरीके की मूर्तियां यहाँ पर मिलेंगी। तब तक आप लोग ले लीजिए माता रानी का आशीर्वाद। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम माता जी का देख रहे हैं, माता जी के अलावा कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग? बहुत सारे बनते हैं, गमले वगैरह बहुत सारे। और माता जी की मूर्तियाँ कब से बनना शुरू होती है आपके यहाँ पर? एक डेढ़ महीने पहले से, मतलब नवरात्र आज से तो डेढ़ महीने पहले से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। ये स्क्रिप्ट भूल चुकी है। नहीं, हम लोग कुछ स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आज फर्स्ट डे था नवरात्रि का, तो हमें लगा कि आप लोगों को इस जगह पे ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइक सबको मूर्तियाँ परचेस करनी रहती है और यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की सबसे अच्छी मूर्तियाँ मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कोटा का सजा हुआ मार्केट, जहाँ पर माता रानी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं और सभी लोग परचेस करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन यानी कि शैलपुत्री। और देखिए, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आपको दिख ही रहा होगा। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये है कोटा का दशहरा मैदान, जहाँ पर हर साल बहुत ही सुंदर मेला लगता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1723 में इन द रीजन ऑफ महाराव दुर्जन शाहल सिंह हाडा। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते ही मैं आपको दिखाऊंगी फूलों का बहुत सुंदर मार्केट। चुके हैं जगत माता मंदिर कोटा में, जो राजस्थान का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ पर आप जब एंटर करते हैं तो आपको मिलती है माता के 9 रूपों की मूर्तियाँ, जो लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आइए आपको भी चलकर हम दिखाते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। कोटा का जगत माता मंदिर राजस्थान का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की सुंदरता और बढ़ जाती है जब वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से भक्त और पर्यटक आते हैं। मेले में धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, साथ में जागरण भी किया जाता है। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं भगवान की, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राजस्थानी कारीगरी है वॉल्स पर, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और हमें एक ऐतिहासिक चीज़ों से जोड़ के रखती है। साथ में हमने यहाँ पर बात की पंडित जी से, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर 5वीं नवरात्रि के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा एटमोसफेयर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय। साथ में ये देखिए, अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। मैं आपको दिखा दूँ मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, साथ में बहुत प्यारी प्यारी स्टॉल्स हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री परचेस कर सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल गर्ल, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। इससे मैंने